गाइज अभी हम लोग वापस खिंडसी लेक से अपनी बोटिंग करके आए हैं और वापस राम मंदिर आए, क्योंकि हम आए थे तो 12 से 3 इसका क्लोजिंग टाइम रहता है, उस बीच में एंट्री नहीं होती है। तो ये हमारी आज की आखिरी लोकेशन होगी, क्योंकि हम लोग रामधाम नहीं जा पाएंगे, हम लोग लेट हो रहे हैं। और इसकी भी प्राचीन हिस्ट्री है इस मंदिर की, राम जी यहाँ पे आए थे और बेसिकली ये बहुत बड़ा स्थल है दर्शन के लिए। और हम लोग यहाँ अच्छे से दर्शन करते हैं और यहाँ से वापस निकलेंगे और आपको मैं पूरा व्यू बताता हूँ यहाँ का। चलिए, छोटी पहाड़ी पर बना है रामटेक मंदिर। इस मंदिर को लेकर ऐसी कहानी है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान इस स्थान पर 4 महीने तक माता सीता और भगवान लक्ष्मण के साथ समय बिताया था। इसके अलावा माता सीता ने यहाँ पहली रसोई भी बनाई थी। उन्होंने खाना बनाने के बाद स्थानीय ऋषियों को भोजन कराया था। इस बात का वर्णन पद्म पुराण में भी किया गया है। और रामनवमी के विशेष अवसर पर इस मंदिर के आसपास मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से लोग शामिल होने के लिए आते हैं। इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना है, एक भी रेत यूज नहीं हुई है जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। सैकड़ों वर्ष पुराना यह मंदिर जस का तस है। स्थानीय लोग इसके पीछे भगवान राम की कृपा बताते हैं। तो ये थी इस मंदिर की थोड़ी सी हिस्ट्री। तो गाइज, आप जब ऊपर जाते रहेंगे मंदिर के पास, जाते जाते आपको बहुत सारी दुकानें मिलेगी। दुकानों में खाना पीना, नींबू पानी, हर चीज की सुविधा है। और अगर आप पूजा पाठ करने के लिए भी जा रहे हैं तो आप पूजा पाठ के लिए भी बहुत सारे दुकानें हैं। गाइज अभी हम लोग ऊपर मंदिर चढ़ रहे हैं और मंदिर में पहली लोकेशन है, आप पीछे देखिए लोग यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और थोड़ी मस्ती भी कर रहे हैं। और बहुत अच्छी हवा चल रही है, अभी धूप थी, अब छाव आ गई, क्या पता छाव छाव हमको मिल रही है हम जहाँ जा रहे हैं। तो लोकेशन, मौसम बहुत बहुत प्यारा है, यहाँ पे लोग दर्शन के लिए कहाँ कहाँ से नहीं आते हैं। और जो राम जी हनुमान जी के भक्त है वो ऑब्वियसली आपको यहाँ मिलेंगे अगर यहाँ से पास हो रहे होंगे। तो चलिए अब जल्दी जल्दी दर्शन करते हैं और आपको जल्दी जल्दी यहाँ का व्यू दिखाते हैं। रामटेक ही वह स्थान है जहाँ भगवान राम और ऋषि अगस्त से मिले थे। ऋषि अगस्त ने ना सिर्फ भगवान राम को शास्त्रों का ज्ञान दिया था, बल्कि उन्हें ब्रह्मास्त्र भी प्रदान किया था। जब श्री राम ने इस स्थान पर हर जगह हड्डियों का ढेर देखा तो उन्होंने इस बारे में अगस्त से प्रश्न किया। तब उन्होंने बताया कि यह उन ऋषियों की हड्डी है जो यहाँ पूजा करते थे। यज्ञ और पूजा करते समय राक्षस विघ्न डालते थे, जिसे जानने के बाद श्री राम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह उनका विनाश करेंगे। यही नहीं, ऋषि अगस्त ने रावण के अत्याचारों के बारे में भी भगवान को यहीं पे बताया था। और उनके दिए गए ब्रह्मास्त्र के जरिए ही भगवान राम रावण का वध कर पाए थे। तो ये मंदिर, इसकी हिस्ट्री अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हिंदू भक्तों को जानने के लिए। यही है महर्षि अगस्ती आश्रम का प्राचीन अखंड अग्निकुंड एवं अखंड ज्योति स्थान। या आज भी अग्निकुंड अगर आप अपनी कोई प्रतिज्ञा लेना चाहे तो जलवा सकते हैं। आपको कुछ सामग्री यहाँ पे खरीद के देनी पड़ेगी और यहाँ पे संपर्क करना पड़ेगा कि हम कुछ मन्नत मांग रहे हैं, आपकी जो भी इच्छा है और आप ये अग्निकुंड को यूज करना चाह रहे हैं तो आपको बता दिया जाएगा और आप उनकी हेल्प से यहाँ पे अपनी सब कुछ प्रतिज्ञा से लेके सब कुछ करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी पुरानी चीजें देखने को मिलेगी, जो बहुत सारी चीज मुझे समझ में भी नहीं आई थी और कोई उस समय था भी नहीं जो मुझे समझा सके। पर ये महर्षि अखंड अग्निकुंड देखने लायक जगह है। यहाँ पे आप जैसे ही इस मंदिर में घुसेंगे आपको पहले यही देखने पड़ेगा और उसके बाद मेन राम मंदिर आएगा, तो यहाँ जाना ना भूले।
गाइस फाइनली हम राम मंदिर के अंदर आ गए और यहाँ पे हमको यहीं के पुजारी जी मिले। वो पुजारी जी ने हमें दो तीन खास बात बताई जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली चीज ये कि यहाँ पे राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी का मंदिर है। जहाँ पे राम जी का मंदिर है वहाँ ऑब्वियसली हनुमान जी का तो मंदिर होगा ही। राम जी और लक्ष्मण जी की जो मूर्तियां अभी यहाँ पे आप देखेंगे, ये मूर्तियां खरीदी नहीं गई है, ये मूर्तियां इनको समुन्दर नदी किनारे मिली थी। और ये जो मूर्तियां जब मिली थी, ये मूर्तियों को डायरेक्ट यहाँ लाया गया और यहाँ पे फिर मंदिर को स्थापित किया गया। ये मूर्तियों के बारे में दो खास बात है। राम जी की जो मूर्ति का फेस है, जो चेहरा है, वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और कोमल है। वहीं लक्ष्मण जी की जो मूर्ति प्रतिमा लगी हुई है, उनका चेहरा बहुत ही ज्यादा तीव्र एग्रेसिव है। ये चीज शायद हम भी नोटिस नहीं करते, पर हमको जब पंडित जी ने बताया, उनने बोला आप एक बार देखिए और बताइए, तब हमको मालूम चला कि लक्ष्मण जी का चेहरा बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है और राम जी का चेहरा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। तो आप भी ये देखिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज हमें मालूम चली कि ये दोनों मूर्तियां राम जी और लक्ष्मण जी की, ये सिर्फ और सिर्फ रेत से बनी है, इनमें कोई भी टाइप का पत्थर यूज नहीं हुआ है। तो जब पंडित जी लोग पूजा पाठ करते हैं मंदिर के अंदर, तब पानी का खास ख्याल रखते हैं। तो ये दोनों बातें थी, मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि मुझे जस्ट यहाँ आके पंडित जी से मालूम चला था। और ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आपको अंदर आएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आएगी और आप अपने आप को कहीं ना कहीं राम जी लक्ष्मण जी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं बस आपको यही बोलूंगा, आप जब भी रामटेक के राम मंदिर आए तो टाइम लेकर आए, 1-2 घंटे आप मंदिर में बिताइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मन हल्का हो जाएगा और आपके मन में वो श्रद्धालु भाव तो आपको और ज्यादा प्रसन्न कर देगा। और हाँ, मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे गरीब लोग भी देखेंगे, तो कोशिश करिएगा थोड़े चिल्लर ला लीजिएगा ताकि, या खाना ला लीजिएगा ताकि उन गरीबों को आप दे सके, तो आपकी विजिट और ज्यादा फ्रूटफुल और मजेदार हो जाएगी। तो फाइनली हम लोग का ट्रिप, वन डे ट्रिप पूरा सफल हुआ। हम 2-3 घंटे के लिए आए थे, बट सुबह 11 बजे से 5 बज रहे हैं। तो बेसिकली रामटेक आना है तो एक दिन निकाल के आइएगा, और जो जो जगह बोला वो जाइएगा। और रामधाम करके एक जगह है जो हम नहीं जा पा रहे, क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं है, टाइम परमिट नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी हमको 3.5 घंटे लग जाएंगे। पर जो भी है, बहुत अच्छे दर्शन हुए, इट्स अ वर्थ विजिटिंग प्लेस, ज़रूर आइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।